अगर आपने ट्वेल्थ कंप्लीट कर ली है या आपने ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया है और आप उसके साथ साथ आपने क्या कोर्स कंप्लीट किया, जैसे मान लो कि कोई आर्ट से होता है, कोई कॉमर्स से होता है, कोई साइंस से होता है, तो साइंस वालों को तो साइंस का पता है क्या करना है, आर्ट वालों को भी पता है, बट कई लोगों को कॉमर्स के बारे में नहीं पता रहता है कि कॉमर्स क्या होता है। ये ज़्यादा करके सिटी और शहर में सबको पता होता है कॉमर्स क्या है, लेकिन गाँव वालों को इतना नहीं मालूम रहता है। तो अगर आप टैली सीखने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉमर्स होता क्या है और कॉमर्स कौन सा कोर्स है, कौन सा डिप्लोमा, कौन सा डिग्री है, ये जानना आपको ज़रूरी है। तो पढ़ाई अगर आपने कॉमर्स से की है तो आपके लिए टैली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। इसमें जो है हर एक बिजनेस का जो है पूरा हिसाब किया जाता है। तो आपने अगर कॉमर्स किया है तो आपको टैली सीखना ज़रूरी है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग का आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप अगर टैली के शौकीन हैं, टैली करना चाहते हैं, तो आप टैली कर सकते हैं। टैली में भी कई तरह कोर्स आते हैं, लेकिन आप नॉर्मल कोर्स पहले करिए, डेबिट क्रेडिट को समझिए, उसके बाद जो है आप आगे बढ़िए। टैली के साथ साथ बेसिक ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भी एक्सेल का यूज़ होता है। तो बेसिक और टैली आप दोनों साथ में सीखिए। तो आज का वीडियो इस टैली के ऊपर ही था। तो अगर आपने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है तो टैली का आप कोर्स कर सकते हैं, और टैली का अगर आप कोर्स करते हैं तो लगभग आपको सैलरी 15,000 से 20,000 रुपया मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में 5,000 से 6,000 रुपया इसमें मिलता है। अब मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, इसके लिए इतना सैलरी किसी को नहीं हायर किया जाता है। सो आप सोच समझ के हर एक कोर्स कीजिए। आगे भी अगर आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं या कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।